समूह बना लेते हैं कि जो एक समान रुचियां रहती हैं, जैसे आपके मित्रगणों का एक ग्रुप होगा व्हाट्सएप पे कि ये मेरे कॉलेज के मित्र हैं, ये मेरे स्कूल के मित्र हैं, तो आप उनका एक ग्रुप बना लेते हैं, क्योंकि उनकी जो है रुचियां हैं वो सेम हैं, शौक हैं, या वो एक ही ग्रुप से जो है संबंध रखते हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में भी आप सोशल मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है जानकारी साझा करना, जागरूकता फैलाना। तो सोशल मीडिया का उपयोग आप जानकारी साझा करने के लिए कर सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि आप डॉक्यूमेंट, जो दस्तावेज हैं, एक दूसरे को भेज सकते हैं, फोटो भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं। आपके संस्था में कोई भी कार्यक्रम किया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है, आम सभा हो रही है, या उसके फोटो हैं, तो आप एक दूसरे से जिला बैंक से किसी समिति में या समिति के माध्यम से जिला बैंक को आप एक दूसरे से जो है जानकारी साझा कर सकते हैं। अगला है व्यापार और विपणन। सोशल मीडिया का उपयोग आप व्यापार के लिए भी कर सकते हैं। आजकल जो कंपनियां हैं, मैं उदाहरण देना चाहूँगा, जैसे इफको है, क्रिप्को है, अमूल है, सांची है, तो ये एक ब्रांड बन गई हैं ये सारी कंपनियां, और ये सोशल मीडिया के माध्यम से ही ये बहुत आगे जो है जा पा रही हैं। तो इनका उपयोग ये बहुत ज़्यादा करती हैं अपना एड बनाने में। आप देखते होंगे कि 10 से 15 सेकंड की ये एड बनाते हैं, कोई भी अमूल हो गई, या इफको हो गई, क्रिप्को हो गई, या अमेजोन ले लें हम, तो ये सारी कंपनियां 30-30 सेकंड के वीडियो बनाती हैं, एड बनाती हैं, तो इनके माध्यम से क्या जो पब्लिक है वो अट्रैक्ट होती है। और अपने जो आपने आपकी समिति में कोई भी कार्य किया जा रहा है, उससे संबंधित आप सूच आपकी जो सेवाएं हैं देना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप इसका यूज कर सकते हैं अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए। कि जैसे आपके यहाँ कोई समिति है, पैक्स है, वो केवाईसी का काम करा रही है, एमपी ऑनलाइन का कार्य कर रही है, या डिजिटलाइजेशन, या अभी आप वर्तमान में देख रहे होंगे लाडली बहना का जो पंजीयन चल रहे हैं, मुख्यमंत्री द्वारा ये जो है जो योजना है वो लाई गई है, तो आप देख रहे होंगे आपकी समितियों में बहुत सारी भीड़ लग रही होगी, तो कुछ लोगों को तो एक दूसरे से पता लगता है, और कुछ लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से पता लगता है, तो इसके लिए भी आप सोशल मीडिया का प्रयोग कर सकते हैं, ताकि आपकी समिति में ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक आएँ, आपकी समिति को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजैक्शन हो आपकी समिति में, और इससे आपके जिला बैंक का जिला जो है जिला बैंक को भी डायरेक्टली जो है फायदा होगा। अभी जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि आप सारे लोगों को ईपीएफओ की जो पेंशन है, तो पेंशन में जो 30/9/2014 के पहले के लोग हैं और 30/9/2014 के बाद वाले जो लोग हैं, और जिन्होंने 58 साल या 58 साल उनका 1-2 महीने में होने जा रहा है, तो उनको जो है ईपीएफओ के पोर्टल में जाकर अपना पूरा की पूरा पेंशन की पूरी डिटेल जानकारी भरनी है। और उस जानकारी को भरने में आप देखेंगे कि एमपी ऑनलाइन में बहुत से लोगों ने अच्छा पैसा उसमें बनाया, और आप हमारे जो एमपी ऑनलाइन के पोर्टल्स हैं जो पैक्स द्वारा संचालित हैं, वहाँ मुझे पता नहीं कितना बिजनेस उसमें जनरेट हुआ, लेकिन आपको बता दूं कि लाडली बहना, मैंने देखा कि लाडली बहना में हमारे भोपाल में जो एमपी ऑनलाइन के पोर्टल थे, वहाँ भारी भीड़ लगी हुई थी। तो मेरा यही आग्रह है कि आपको जैसे आज की तारीख में दो चीज़ें सरकार ने आपको दी हुई हैं, एक तो एमपी ऑनलाइन का पोर्टल दिया हुआ है, और दूसरा सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर जो संचार मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा आपको उपलब्ध कराया गया है, उसके माध्यम से 300 सेवाएं, जिसमें आधार कार्ड जैसा, पैन कार्ड जैसा बहुत महत्वपूर्ण काम जो हैं वो आपको सौंपे गए हैं, और उनके माध्यम से आप अपना अतिरिक्त राजस्व रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, लोगों को तरह तरह की सेवाएं दे सकते हैं। तो मेरा आपसे यही आग्रह है कि आपको जो इस तरह के प्लेटफॉर्म प्राप्त हुए हैं उनका अधिकतम उपयोग अपने ग्राहकों के हित में करें, ताकि ग्राहक को बहुत दूर जाकर ना केवल अपना समय जाया करना पड़े, ना पैसा जाया करना पड़े, और आसानी से वो सुविधा आप उसको उपलब्ध करा सकें। मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि सर ने बताया कि ये सब सुविधा बिल्कुल आपको इन सब सोशल मीडिया का उपयोग जो बहुत ही ज़्यादा इतना मतलब परिपक्व तरीके से करना चाहिए। आपके यहाँ समितियों में स्टाफ भी ऐसा होना चाहिए जो इन सब सारी चीज़ों से अवगत हो। आप देख रहे होंगे कि आपके गांव में, आपके एरिया में कई सारे एमपी ऑनलाइन होंगे, तो और या आपकी समिति का जो एमपी ऑनलाइन केंद्र है, और जो प्राइवेट जो किसी व्यक्ति ने खोल रखा है एमपी ऑनलाइन केंद्र, तो लोग वहाँ पे क्यों ज़्यादा जाते हैं? क्योंकि उसने अपनी ब्रांड वैल्यू बना रखी है। वो सुबह अपने टाइम पे उसे ओपन करता है,
शाम को लेट बंद करता है तो, और सर्विस भी फास्ट देता है, तो उसने अपनी एक ब्रांड वैल्यू बना रखी है कि भैया वहाँ जाते हैं वो पैसे भी कम लेता है और समय पर काम भी हो जाता है। तो हमें भी ऐसा ही करना होगा, हमें भी ये सारी सुविधाएं CSC हो गई, MP ऑनलाइन के माध्यम से ये सारी सुविधाएं आप देंगे और अपना ब्रांड वैल्यू बनाएंगे, अपना एक बैनर लगाएंगे। अगर आप प्रिंट करवा के बैनर नहीं लगवा सकते हैं तो आप WhatsApp या एक फ़ोटो छपवा लें कि हम ये सेवाएं दे रहे हैं, और ये आप WhatsApp के माध्यम से या Facebook के माध्यम से अपने प्रोफाइल पर शेयर कर दें तो सभी को जानकारी प्राप्त होगी, हाँ भैया ये पैक्स अच्छा कार्य कर रही है, यहाँ ये सारी इतनी सारी सेवाएं दी जा रही हैं, तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, आपकी तरफ आएगा काम करवाने के लिए। अगला है सोशल मीडिया की चुनौतियाँ। जितना सोशल मीडिया फ़ायदेमंद है उतना ही इसमें चुनौतियाँ भी हैं, हमें इन सारे बिंदुओं पर भी ध्यान देना चाहिए। जैसे गोपनीयता और सुरक्षा, आप देख रहे होंगे कि आपकी प्राइवेसी और जो है सिक्योरिटी है वो आप इन बिंदुओं पर ध्यान नहीं देते हैं तो कोई आपके फेसबुक से या व्हाट्सएप से डेटा चुरा लेता है, या आपका फ़ोटो डाउनलोड करके किसी और दूसरे प्रोफाइल पर अपलोड कर देता है, या आपके नाम से ही कोई दूसरी आईडी बना लेता है। तो इन सब चीज़ों पर भी आपको इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। आपको सिक्योरिटी जो है उसमें जो प्राइवेसी सेटिंग होती हैं, आप यूज करते होंगे मोबाइल में तो आप चेक करेंगे तो उसमें एक प्राइवेसी सेटिंग्स होती हैं, उसमें आप अपना प्रोफाइल लॉक कर सकते हैं, अपनी चैट हाइड कर सकते हैं, आप अपने मित्रों की जो सूची है उनको हाइड कर सकते हैं।